तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माउंटेन फैमिली में। तो शिवम ठाकुर सुबह सुबह जिद क्या कर रहे थे मामू आज कि मुझे नहाना है। तो भाई सुबह 7:30 बजे उठ के इसने बोला मुझे, पापा नहाना चलो। कल मैंने इसको नहलाया था तो भाई दौड़ गया कि नहलाओ भाई मुझे। और आज हमारे रूम में कोई क्यूट क्यूट दो मेहमान भी आए हैं, मिला देता हूँ उनसे। एक है आव्या, हेलो आव्या। और दूसरी है हमारी, और दूसरी है अद्विका। हेलो। और तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ भाऊ के पास बैठो यार। अच्छा, और शिवो हम अभी भजन लगाए थे और इसने भजन छोड़ के अब मेरी ये वाली। क्या बात है यार, वी क्रॉस ऐसे जा रही है पानी में, क्या बात है। तो ये यहाँ पे क्या आवे दीदी की गोदी में छोना। तो सबसे बड़ी अद्विका, उससे छोटी आव्या, उससे छोटे हमारे ये लल्ला, और सबसे छोटे भाव। बेटा भाव भी होगी है बड़ी, अब नाम भी डिसाइड करना है 10-15 दिन में उसका। हाँ, तो अभी 5 डेज की हो चुकी है वो। जैसी वो 15 दिन की होगी, हमारे यहाँ एक फंक्शन होता है 11 दिन के बाद बेसिकली, तो उसे पहले पूजा होगी फिर उसका नामकरण हो जाएगा। पर और अभी तक इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया कि नाम क्या रखना है, तो देखते हैं क्या रखेंगे। जब तक ये मेरे बराबर हो जाएगी ना तब तक तो इसका नाम ही नहीं होगा। अच्छा, नाम ही रखना उसका, रखना है। चल अद्विका ही रखते हैं उसका नाम, अद्विका 2.0 क्या बोलते हैं। तो भाई ये कौन कौन पीना चाहेगा स्टिंग? तो अभी ना इसको आवे दूर से ही नहीं आवे पहले इसको पीने के लिए आई दीदी, बोला ये स्टिंग देखो यहाँ रखा पी लेते है ना, बोला ना पी लेते। और वो क्या होता है वो स्टिंग नहीं था, वो था गोंतर, वो था हमारा देसी स्टिंग। ये स्टिंग यार, माजा का स्टिंग, स्टिंग कोल्ड ड्रिंक है स्टिंग। मैंने सोचा स्टिंग क्या होता है, और वो आवे पीना वाली थी उसको, पर उसको लगा ये स्टिंग तो स्टिंग कर रहा है, वो है क्या आखिरकार, तो वो है गोंतर। तो आज इन दोनों को छुट्टी, आज से मस्त भाऊ के साथ खेलेंगे, अपने दोनों भाऊ के साथ। तो फिर भाऊ लग गया बता आपको कि भाऊ कुछ भी बोल सकते हैं। ये अद्विका भी मेरा छोटा भाऊ है, आव्य भी मेरा छोटा भाऊ है, और इवन ये प्रकृति भी मेरा छोटा भाऊ है। तो चलिए अभी मैं आपको पापा अपने पापा से मिलाती हूँ, जो कि अभी छत पर अपना काम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि पापा अभी भाऊ के फालड़े सुखा रहे हैं। सुखा भी आपने पापा अपने फालड़ों खुद धोया या फिर? हाँ खुद धोया, किसने धोया था, तू तो आई नहीं। देखो भाऊ की कितनी मदद करते हैं पापा, सेवा करते हैं। एक दो तीन चार पाँच, वाह यार, आज मेरे दोनों बेटियां पता क्या कर रही हैं, सफाई कर रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप दोनों को देख के, इन्होंने आप काफी साफ कर दिया रूम, शाबाश। क्या ये आपने इंक फेंकी बेटा, और ये गलती आपकी, मैंने देखा आपको इंक फेंक कर, नहीं तो नहीं किया अद्विका। तो अब चलो थोड़ी देर बाबू के पास बैठते यार, चलो करो करो। अब तो भाव का रूम भी होगा थोड़ा टाइम में ये। तो अभी एक्चुअली भाव हम इसलिए बोल रहे हैं कि उसका नाम ही नहीं रखा है, अभी हम सोचेंगे नाम, अभी वक्त है उसके नामकरण में। एक का नाम अद्विका है, एक का नाम आव्या है, अब तो अब ए से नहीं रखेंगे नाम, ठीक है ना भाव का? नहीं ए से नहीं पापा, उसको बेचारे फिर रोल नंबर वन आएगा। तेरा रोल नंबर वन है ना तू? तेरा क्या, तेरा वन है, तेरा तेरा तो डबल ए लगता ना, फिर भी 2 है। और तेरे से पहले कोई नहीं पापा, आप नहीं हुई। तेरा ए लगता है तो भी तेरा बंद है। हाँ तो ए डी, और उसके बाद है ए एन देन ए सी। ओहो, तब मैं इसलिए मैं नहीं रखूंगा, सॉरी ए आर, मैं नहीं रखूंगा, इसलिए मैं नहीं रखूंगा। किसका चीटिंग करने को मन है? चीटिंग करने को नहीं, आगे आगे क्या बैठना है यार, पीछे बैठ के बैक वेंचर मजा आता है। शिवोहम देख, शिवोहम तभी नाम रखा ना, पीछे बैठेगा। बरसात चालू हो चुकी है फिर से, और ये बरसात फिर दे देती है संकेत कहीं पे क्लाउड बर्स्ट का। आज मौसम थोड़ा वो है यार, कैसा है बारिश वाला। तो बर्गर खाएं हम, पापा का स्पेशल बर्गर खाएंगे। कौन सा, चीज बर्स्ट बर्गर खाओगे कि सिंपल बर्गर? चीज बर्स्ट मामू आप। तो अभी पता क्या हुआ, इसने ना एक ड्रेस पहनी थी तो यहाँ से फटी थी पेट से थोड़ी सी, तो मैंने उसको पूरी फाड़ दी। तो शिकायत लेती है मेरी नानी के पास अपनी, कि नानी मामू ने मेरा ये फाड़ दिया। तो फिर मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप ही मेरे साथ करते थे ऐसा,
मेरी जब वो फैशन वाली थी ना फटी हुई पैंट, मम्मी पूरी फाड़ देती थी, तो मेरे को लगाया इतना फटा है बेचारी का, मैंने फाड़ दिया। मैं तेरे को एक गिफ्ट दूंगा, नहीं ड्रेस, ठीक है? नहीं चाहिए मुझे, मैंने दे दिया इसको। अच्छा ये वाली ड्रेस किसकी है? दीदी की। अः इसको ऐसा कर, मेरे नीचे जाके ना दो टी शर्ट दे दे मेरी तरफ से। चीज बस खाएगी? हाँ या ना? बेस्ती करा रही है। चीज बस खाएगी? चीज बस खाएगी? हाँ। आपको मुझे बदबू शर्ट चाहिए? नहीं चाहिए। तो अभी की एक बहुत बुरी न्यूज, हमारे यहाँ पे एक जगह है परे मनिहार साइड, जहाँ पे गड़सा में हम नदी, जहाँ हाँ जहाँ मेरी और प्रकृति हमने अभी एक ब्लॉग शूट किया था कैंपिंग का, तो वहाँ पे उसके बस लास्ट में जहाँ से वो नदी निकलती है बेसिकली, उससे थोड़ा नीचे वहाँ बादल तगड़ा फटा है यार, बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। तो प्रकृति ऐसा करते बोरिए बिस्तरा बांधते और चलते, बेचा हर जगह ही चले। अब वो तो जाओगे कहाँ? हर जगह क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, किसी भी जगह कोई भी जगह सेफ नहीं है। होगी ना जहाँ पे पहाड़ी एरिया होगा, जहाँ पे पहाड़ी एरिया भी कौन सा सेफ है, लैंडस्लाइड नहीं हो सकती जैसे। तो यार एक खबर सुन के ना बड़ा धक्का लगा, क्योंकि ये हमारे घर के पास ही है मनिहार, उस मनिहार तो नहीं जहाँ पे वो, जहाँ पे उस नदी का आउटलेट होता है। बर्गर को खिलाना है बेटा, पहले प्लान बन रहा था इसको बर्गर खिलाने का, पर अब नहीं खिलाऊंगा, कल ही खिलाएंगे बेटा। बेटा उधर बादल फटा ना अपने गड़सा में, गड़सा में तो नहीं मनिहार में फटा, जहाँ हम उस दिन पिकनिक नहीं गए थे, जहाँ आप है कि मम्मी वगैरह गए थे, हम सब गए थे, कहाँ गए थे हम परे, इधर हाँ जहाँ पे हम पूरी फैमिली, जहाँ पर फर्स्ट टाइम, हाँ हाँ जहाँ पर उस नदी के पास गए थे, उसमें बहुत तगड़ी बाढ़ आई है पता है, लोगों के घर में पानी घुस गया। तो मेरे फ्रेंड भी उस एरिया में बहुत रहते हैं यार, जब तक पता ना लगे कि सब सेफ हैं तब तक, अब अच्छा क्या बर्गर खाना, मन ही नहीं कर रहा मेरा बर्गर खाने, कल खा लेंगे ठीक है, ओके। हाँ मतलब इतना नहीं होता था यार हमारे यहाँ ना, एक महीने में ऐसा होता था कि एक फट गया चलो कोई दिक्कत नहीं, बट अब यहाँ फट गया, कल परसों उधर चोज में फटा, तो मुझे लगता है इस बार कुछ वो होने वाला है। अद्विका अगर यहाँ भी आगे भी फट गया तो ये वाली खड्ड आएगी, फिर घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अच्छा कहाँ रहेंगे हम फिर? हम पता क्या करेंगे, गाड़ी में टेंट डालेंगे, टेंट तो है ही, तो उसमें रह के जाना पड़ेगा अगर ज़्यादा बाढ़ आई तो। तो भाई रहना पड़ता है, देखो नेचर से अपना सामान भी तो ले जाना पड़ेगा बेटा, क्या ही ले जाएंगे अपने साथ, तो नेचर इज़ सुप्रीम भाई, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। तो अगर भयंकर वाली आएगी, एक बार आई थी ये बहुत भयंकर आई थी, तो लोग यहाँ पे जितने भी हमारे जो ये नदी है छोटी ऐसी, इसके साथ रहने वाले सब इधर को आ गए थे, तो ये पीछे से मुड़ गई थी, बहुत भयंकर आ गया था, लोगों के घरों में पानी बढ़ गया था। तो जब नेचर रौद्र रूप लेती है तो भाई बहुत डर लगता है उस टाइम। तो मैंने अभी दोस्तों को फ़ोन किया है कन्फर्म करने के लिए कि सब सेफ हैं या नहीं, जिस जिनका नदी के साथ घर था। तो वैसे एक बात बोलूँ, ऐसे आप अकॉर्डिंग टू टूरिज्म अगर देखें तो बहुत अच्छा लगता है ना नदियों के साथ घर, गशिंग आवाज़ में कितना अच्छा लगता है ना कि आवाज़ हो रही है, मस्त चल रही है, स्ट्रीम बह रही है। बट भाई वो बरसात के टाइम इतना डेंजरस हो जाता है, इतना डेंजरस हो जाता है कि क्या बताएं। हमारा जो कलैली वाला घर था जहाँ हम जाते हैं, जहाँ से नदी फिर भी है 50 मीटर है दूर, बट 50 से 100 मीटर दूर है नदी, बट फिर भी भाई किसी टाइम पाना डर लगता था हमें। तो यार जो बादल फटा है वो मनिहार साइड ही फटा है, पर मेन मनिहार में नहीं पत्ती, वो फटा है शीलागढ़ साइड। शीलागढ़ तो दूसरी साइड है, ज्यादा दूर थोड़ी ना है। हाँ थोड़ी दूसरी तरफ पड़ता है, थोड़ा ही है दूर, ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी भी मौसम देखो किस तरह का बना हुआ है, और पकड़ इसको जाओ। और हमारे हमारे वहाँ मेनली जो बादल फटता है वो इस एरिया में फटता है ऊपर में, क्लाउड बर्स्ट की कंडीशन उस जगह पे क्रिएट होते हैं जहाँ पे ना तीन साइड से पहाड़ हो और एक साइड में खुला हो, तो सारे बादल जो है उन तीन साइड के वो जो पहाड़ होते हैं टेक्निकल नॉलेज उसमें जो है फंस जाते हैं और इकट्ठे होते जाते हैं, फिर लास्टली एकदम से वो बरस जाते हैं उस पूरे उसमें जो एक फनल टाइप की बन गई होती है। जहाँ पे हम पिकनिक वाले एरिया में गए थे, जो आपको पिकनिक वाला स्पॉट दिखाया था, वहाँ पे चलो थैंक गॉड नुकसान नहीं हुआ। बट अब क्या है यार, आजकल ना आजकल के टाइम बादल कुछ ज्यादा ही फटने लगे हैं, पहले आजकल हाँ, पहले के टाइम पे नहीं होते थे इतने, क्यों हो गए पता है इतना ज्यादा, पहले नहीं होता था भाई, इतने नहीं फटते थे, नहीं होता था मतलब दो या तीन मेरे मम्मी पापा तो बोलते थे बचपन में, हमने सुना ही नहीं होता था कि भाई कोई बादल फटना, और अब तो भाई एक यहाँ फटा ऐसा लगता है दूसरा पहाड़ नाराज हो जाता है तो दूसरा फाड़ देता है, है ना। अब कुछ दिनों पहले वहाँ चोज में हुआ मणिकरण साइड, और अब यहाँ, तो हम पहाड़ी लोग कहाँ जाएं भाई, है प्रकृति, तो हम बादल फटने के डर से कहाँ जाएं,
हम कहीं नहीं जा सकते हैं, हम बस ये है कि नई कंस्ट्रक्शन जब कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुदरत को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए कंस्ट्रक्शन, मतलब पुराना चाहे हो ना कि 60 साल पुराना भी हो नाला तब नाले भी का रास्ता जो है वो अब जैसे जो नेचर के लिए छोड़ देना चाहिए। अब जो हमारा नाला ना बहुत दूर है और खास में गहरा बहुत है, मतलब यहाँ बहुत आ जाए, आज तक कभी नहीं हुआ कि ऊपर पानी इधर को आया हो, आज तक नहीं हुआ, और होने को तो कुछ भी हो सकता है यार। और अगर इतना बड़ा नाला आए तो फिर तब तो आप कहीं नहीं बच सकते, तब तो कहीं पे भी वो हो जाएगा। और एक्चुअली ऐसा होता है, जब भी बादल फटता है तो वो दो तीन रास्ते चूज़ करता है, वो इसकी एक अच्छी बात होती है। अगर एक ही जगह में आ जाए नाले तो बहुत मुश्किल होता है। तो आज वाली फुटेज ये मेरे पास आई अभी, मैं वीडियो उस पे, तो मुझे व्हाट्सएप पे आई है, तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। कुछ ऐसा मंजर था भाई आज का। भाई पूरा प्रॉपर बढ़ गया पानी भाई ऊपर को है? लाइव देखो तो भाई को, मंदिर देखो लाइव भाई, वो बढ़ गया पानी भाई ऊपर को, ऊपर नहीं आएगा भाई है? लाइव देखो तो भाई देखो लाइव भाई, गंदा गंदा, ओ भाई ट्रांसपोर्ट गया। इस टाइम पे अगर कोई नजदीक रहता है तो क्या हालात हो सकते हैं। तो अभी डिनर की तैयारी हो रही है, जल्दी बनाना पड़ेगा डिनर, और बिकॉज़ बीबू जी आई है हेल्प करने मेरी। बहुत दिनों बाद में। ओए स्नेक, मम्मा के ऊपर स्नेक है शिवम, उठाओ ले मम्मा का स्नेक, उठा उठा जल्दी उठा, कैटरपिलर उठा उसको, किस चीज पे उठा कागज में क्यों। तो यहाँ पे दिव्या पूछ रही है कि पति भाभी आपने क्या सोच समझ के नवीन भैया को हाँ की थी, वो बेइज्जती करवाना है मेरी यार, क्यों मैं इतना पतला था उस टाइम? मैंने इस चीज के लिए तो बेइज्जती कराने के लिए क्या बोलना चाहती है तू? मैं बच्चा लगता था उस टाइम, चंपू लगते थे आप बहुत। ओ भाई बेइज्जती करवा रही लड़की, इतने तो थे। देख बेटा इससे क्या प्रूव होता है, सच्चा होना चाहिए, बिल्कुल बच्चे, मंजिल मेरी बहुत ऊपर थी वो, ठीक है ना? चुप रहो, आपने भाभी को बोला था कि हाँ करते, मैंने मैं कूद रहा हूँ तब हाँ की है, मैंने ऐसे नहीं करते। सच है ये, यार ऐसा मत बोल, कई लोग देख के बोलेंगे अच्छा हम भी कूद जाएं बेटा, पर एक सरासर सच है, लड़कियाँ होती है ना बेचारी वो फंस जाती है भाई, ये सरासर झूठ है। आपको क्या लगता है मैं प्रकृति के लिए कूदता, पागल कुत्ते ने थोड़े ना काटे यार, कूदते नहीं पर मैं बेचारी शरीफ थी ना, मैंने सोच लिया कि, और सबसे बड़ी बात है नदी में मुझे ना तैरी, मतलब जो स्विम करना आता था तो मैं कूद भी जाता, मुझे क्या, आपने देखा ही है नदी में नहाते हुए मैं, तो हम पहाड़ी लोग कूद सकते हैं पर हाँ इसका ये मतलब नहीं, हाँ कर दो ठीक है। देख बेटा ये बहाने इसके कि मैंने ऐसा बोला कि कूद, मैं अगर कूद जाता तो ये हाँ करता, मैं ये मेरे को पसंद करती थी, पता नहीं सच में भाभी, अरे स्लिम ड्रीम आदमी था यार, छोड़ो आप स्लिम नहीं बोलते उसको, उसको होता है कुपोषित। ओह माय गॉड, कैसे घर छोड़ रही है बच्ची, सच में कुपोषित है। एक और फोटो दिखाओ, लोगों ने कमेंट्स में बोला भी है प्लस टू में नहीं था, नहीं लोगों ने कमेंट्स में जो मेरा वो फोटो है ना वो स्कूल का नहीं, दीदी वो तो कब का, मेरा फर्स्ट जब मेरे को वो पेट खराब हो गया तब घटा में इतना, मैं तेरे प्लस तो आप अरे नौदे में तो इतना ही, नहीं 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 नौदे में असल में ये उससे थोड़े से ज्यादा थे, ज्यादा बहुत नहीं थे, बच्चे जरूर उतने ही था। उसको क्यूट क्यूट बच्चे पसंद आते थे, नहीं नहीं कोई नहीं, वैसा नहीं था कि मैंने आपको पसंद किया था, आपने मुझे पसंद किया था, फिर पीछे पड़ गए थे बस। ठीक है भाई गलती होगी, वो आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं दोहराऊंगा। देखो उसने ए टू जेड लिख भी दिया है ना, कितना अच्छा लिखा बेचारे ने। हाय तो फ्रेंड्स इसके साथ हम करते हैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड, मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ, गुड नाइट, लव यू ऑल, हरे कृष्णा, राधे राधे राधे।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लव यू ऑल। लव यू ऑल। प्रणिपात। प्रणिपात। बाय बाय। बाय बाय। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।